हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आई हूँ हमारा पुराने घर के पास और मैं दिखाऊंगी जो हमारा पुराना घर था वो कैसा था, कैसा दिखता था मेरे दादा दादी के टाइम का। और ये जो घर है ना, ये एकदम जंगल से सटा हुआ बना हुआ था, तो वहीं पे आए हैं। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो घर दिखाने से पहले हम लोग सबसे पहले आम तोड़ लेते हैं, क्योंकि आम अभी पक रहे हैं। तो चलिए पहले आम तोड़ लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो पुराना घर था वो अब कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ आम के पेड़ हैं, यहाँ पे तीन हैं और ऊपर भी दिखाएंगे और भी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है और अभी हम जा रहे हैं आम के पेड़ के पास जहाँ से हमें आम तोड़ने हैं। तो ये रहा वो आम का पेड़ जहाँ से हमें आम तोड़ने हैं अभी। और ये मेरा छुटका चचा चढ़ गया है ऊपर आम तोड़ने के लिए। और ये देखिए मेरा भाई और उधर मम्मी पहले से आए हुए थे ये दोनों, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे थे तो फिर हम दोनों को आना पड़ा। ये इसको अब ये बांस का बना हुआ है, ये इसको हम लोग डांग बोलते हैं हो में। आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको बताइएगा कमेंट में। हमारे आने से पहले इतना सारा आम तोड़ ली है मम्मी दोनों, डाली है उसको हिला करके गिराया जा रहा है आम। फिर उसके बाद जो भी नहीं गिरता है बच जाता है पक्के वाले आम, उसको उस डांग की मदद से तोड़ा जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा हाँफ गई हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ आने में। और उधर देखिए अभी तक ये ब्रश नहीं किया है, दातून कर रहा है। क्या का दातून है ये, ठीक है ना? आते अंकल हम लोग होम में इसको अंकल बोलते हैं। और मैंने अंकल मिला। और ये कनेर का पेड़ भी है यहाँ पे, लेकिन अभी साग नहीं हुआ है। सब इतना धूप कर रहा है तो ये बहुत जल्दी बूढ़ा हो जा रहा है साग सब। तो ये रहे आम इस पेड़ के, जो बहुत मीठे लगते हैं खाने में। तो इस पेड़ से हमें इतने सारे आम मिले पके वाले, पके हुए आम जो कि सब फट गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं इसीलिए सारे फट गए हैं। देखिए और ये उतर गया है, अब हम लोग जाएंगे और एक पेड़ का आम तोड़ेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको पहले का घर हमारा जो कि अब टूट गया है, बस दीवार कुछ बची हुई है थोड़ी बहुत। तो दस मैंने नौ लेकिन मैं लगता यही है पेड़ चढ़ने में माहिर मेरा छोटा चाचा। चलिए अब इसको भी लेके जाते हैं, ये दूसरा पेड़ का है, छोटे छोटे हैं।
ये पसीना से पूरा चमक रहा है मेरा फेस। इतनी गर्मी देखिए, लेके चलते हैं। ये भी आम का पेड़ है, चाचा लोग का है ये। तो ये बाहर से कुछ इस तरह दिखता है अभी। चलिए अंदर जाते हैं घर के अंदर, इसके बाद बाहर में क्या क्या चीजें हैं सब दिखाएंगे आपको। तो ये है बाहर से ऐसा दिखता है घर, जो कि पूरा टूट गया है और ढलाई बस बचा हुआ है, जो कि पत्थर से किया गया था उस टाइम पे। चलिए अंदर आते हैं। ये है दरवाजा सबसे पहला, और ये एक रूम है जिसको बरामदा बरामदा बोलते हैं ना, ये वाला है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जब घर बनाए जाते थे तो इस तरह का छोटे छोटे रैक्स बना दिए जाते थे, जैसे एक रूम में दो तीन बना दिए जाते थे और उसमें छोटे छोटे चीज़ उसमें रखे जाते थे, जैसे कि तेल वगैरह साबुन वगैरह उसमें रख दिए, रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यहीं से और एक दरवाज़ा इसमें है, अभी यहाँ पर बहुत कचरा हो गया है। ये दरवाजा है छोटा सा, और ये एक रूम है, इधर पूरा ये सब गिर गया है अभी पत्थर सब। और ये यहाँ पर रेक, छोटे छोटे ऐसे रेक होते थे सामने सामने, छोटे छोटे रेक बना दिए जाते थे उस टाइम पे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे। और तो ये एक रूम हुआ। चलो और उधर, और इधर से और गेट नहीं है, चलिए दूसरा तरफ से जाते हैं। तो यहाँ टूट गया है, यहाँ दरवाजा था कि नहीं नहीं मालूम है, तो टूट गया, यहीं से पार हो जाते हैं। तो ये एक रूम है, एक हॉल जैसा है बोल सकते हैं, बड़ा सा रूम है ये। यहाँ पे आप मधुमालती का पौधा उग गया है ढेर सारा पूरे घर में। यहाँ पे कोई अभी रहते नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ सब पूरा लगा दिए थे, तो पहले तो नींबू का पेड़ सब भी था लेकिन अभी नहीं है। इधर भी देखिए, इस रूम में भी ये वाला बना हुआ है, इतना ही साइज के छोटे छोटे बना दिए जाते थे। छोटा छोटा रैक बना दिए जाते थे उस टाइम पे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, खिड़की भी ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, एकदम छोटे छोटे होते थे। तो चलिए अभी दिखाते हैं घर के बाहर, आंगन दिखाते हैं। अभी गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही यहाँ हमें पास में ही एक बड़ा सा इमली पेड़ देखने को मिलता है, और यहीं पे उसी के बगल में एक लीची का पेड़ भी है जो कि मेरे दादा जी ने लगाए थे। यहाँ पे जितना भी पेड़ हैं फ्रूटिंग वाले वो सारा हमारे दादाजी ही लगाए थे। और इधर भी पूरा आंगन है। हमारे गांव का अधिकतर घर जो है पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर इजीली मिल भी जाता है, और पहले टाइम से ही इसको यूज़ किया जा रहा है, और अभी भी लोग बनाते हैं पत्थरों से घर, बट आजकल ईटा का भी यूज़ किया जा रहा है। और दादाजी के टाइम पे क्या होता था ना कि रोड भी नहीं था, कुछ भी सुविधा नहीं था कि ईटा ला सके, तो उस समय पत्थर का ही यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आंगन में ही ढेर सारा मोगरा का पौधा उग गया है, पूरा भरा हुआ है आंगन इसी से अभी, क्योंकि यहाँ पे रहना नहीं होता है आजकल। तो नीचे से ऐसा दिखता है, इस तरह से जो आंगन है उसको भी इस तरह से ये जो पत्थर है उसका जोड़ाई करके ऐसे बनाया गया है आंगन भी, पूरा सब तरफ ऐसा ही है, उधर तक पूरा जोड़ाई किया गया है पत्थर, क्योंकि उस टाइम के लोग जो है बहुत मेहनती भी होते थे,
इधर पूरा ऐसे जुड़ाई किया गया है और ये बन गया आंगन। आई होप आप सबों को मेरे दादा दादी के टाइम का जो घर था उसका होम टूर अच्छा लगा होगा। अभी बहुत ज़्यादा टूट गया है, लेकिन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।